जो ईगल है सबसे ऊंची उड़ान भरता है, तो एक फादर ईगल ने क्या किया, एक छोटा सा बेबी ईगल अपने घोंसले में बड़े प्यार से बैठा हुआ है और फादर ईगल जाता है और उसको अपनी चोंच में पकड़ता है और बिल्कुल आसमान पे ऊंची ले जाता है। अब छोटा सा बेबी ईगल है, वो ऐसी आंखें बंद है, पता कि बाप ने उठाया हुआ है, अभी घोंसले में था, अब बाप ने उठाया, मजे से आंखें बंद। अब जब ऊपर बिल्कुल हाइट पे पहुंचता है तो फादर ईगल क्या करता है, बेबी ईगल को ऊपर से ड्रॉप कर देता है। अब एकदम अपने कंफर्ट जोन से फादर ईगल ने ऊपर से नीचे फेंक दिया। अब वो इतनी जोर से तेजी से बेबी ईगल नीचे गिरता जा रहा है। अब डर से क्या होता है, जब हमें डर लगता है तो हम आंख बंद कर लेते हैं। अब आंख बंद की हुई है और सोच रहा है, मेरे बाप ने मुझे ऊपर से नीचे फेंक दिया, अब तो अब मरा, अब गिरा, अब मरा, क्योंकि डर से आंखें बंद हैं। जैसे ही वो जमीन पे गिरने लगता है, फादर ईगल उसको पकड़ लेता है। फिर उसको आराम आता है कि पकड़ लिया, बाप ने बचा लिया। अब बाप फिर उसको उड़ के उड़ाते हुए फिर ऊंचाइयों में ले जाता है, फिर छोड़ देता है। फिर वही चीज हो रही है। इस तरह से तकरीबन 5-6 बार फादर ईगल ऐसे उठा के ऊपर लेके छोड़ देता है। छठी बार वो बेबी ईगल अपने पर खोल लेता है। बाप उसको ऊपर से गिरा नहीं रहा था, बाप उसको उड़ना सिखा रहा था। आमीन, हालेलुया। तो बहुत बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, हमें लगता है कि बस गिरे, बस खत्म, बस अब इसके बाद तो कोई रास्ता ही नहीं है, हमारे को तो जीसस देख ही नहीं रहे, जीसस तो भूल ही गए हैं, जीसस तो देखते ही नहीं। ये नहीं लग पता चलता कि डर से, चिंता से, तकलीफ में हमने आंखें बंद कर ली, हमें दिखता ही नहीं, बाप तो हमें हर वक्त घेरे बैठा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।